हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही भी आप लोगों की तैयारियां? तो ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर की, जहां पर हम पिछले एक साल का करंट अफेयर है वो कवर करते हैं। तो पहला टेस्ट अगर नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, हौसला रहे कि रोजाना इसी प्रकार के टेस्ट हम करते रहें। तो ये तो सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें हम रिविजन करेंगे। इसके अलावा एक और डेली करंट अफेयर की सीरीज भी हम शुरू करेंगे, जो कि 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगी। PDF अगर लेना चाहते हैं सारे ही टेस्ट जितने भी हमारे यहाँ पर होते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, टाइम इतना है नहीं। तो कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं कमेंट करके आप जरूर बता देना, और लाइक शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें। तो पहले है कि 18 मई 2020 को राज्य में प्रारंभ की गई प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम का संबंध किससे? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि प्रियदर्शनी बेबी किट जो है इस कब शुरू हुई थी, 18 मई 2020 को, और इसका संबंध है वो है नवजात बालिकाओं से। ठीक है, नवजात बालिकाओं से। अब एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आया था जो आप बताएंगे कि बेबी किट जो होती है वो किस रंग की होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि किस रंग की होती है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यार्थियों को 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की आय सीमा पर 1 लाख सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अभी 1 लाख था, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 2 लाख रुपए। ठीक है, और दूसरा ये याद रखना है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है, तो 25% सीटें आरक्षित होती है। पहले ये सीमा 1 लाख की थी, अभी बढ़ाकर हो गई है 2 लाख की। प्रदेश में पहली महिला तैराक जिसने अंतरराष्ट्रीय हार्डेस्ट कोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन है? गोरवी सिंह भी है। अब यहाँ पर खिलाड़ियों के बारे में एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, वो चीज है कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे इसी क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन पूछ लेंगे, गोरवी सिंह भी का संबंध है वो किस खेल से है, तो ऑप्शन आ जाएगा निशानेबाजी से है, तैराकी से है, रनिंग से है, डिस्को थ्रो से है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें याद रखनी है। अगला है कि 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो नए बने थे धर्मपाल जालोरी जी, 2 आपका ठीक है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल होने वाली नदी कौन सी है? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में चंबल नदी को शामिल किया गया है, यानी 4 आपका ठीक है। अगला है कि 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को प्रमुख आंद्रे अजोले ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र हेतु किसे प्रदान किया? इनमें से किसको दिया गया था? तो जयपुर की परकोटी को, जयपुर का परकोटा शामिल हुआ था। ठीक है, अब ये बताइए कि इसमें राजस्थान के टोटल कितने स्थल हैं, राजस्थान के टोटल कितने स्थल हैं जिन्हें शामिल किया जा चुका है? राजस्थान बजट 2020 की घोषणा के अनुसार प्रदेश ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी को इनामी राशि कितनी दी जाएगी? भी ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाएगी? 3 करोड़, यानी 3 आपका सही है। अगला है कि प्रियदर्शनी बेबी किट नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली किट का रंग किस प्रकार का? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, जो मैंने पूछा था आपसे पहले क्वेश्चन में। अगर आपने आंसर दिया है इसका, तो अभी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, भी याद रखना। तो बालिकाओं की किट जो पिंक थी और बालकों की किट है वो नीले रंग की है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ मैं। ओढ़नी पोमचा आप जानते हैं, तो आप मुझे बताइए कि बच्चे के जन्म पर माता कौन सा रंग का पोमचा ओढ़ती है, और बेटी के जन्म पर किस रंग का पोमचा ओढ़ती है? आप दोनों का आंसर दे देंगे, ठीक है, जिस प्रकार से ये प्रियदर्शनी बेबी किट है किसके लिए है, तो ये किसके लिए, नवजात शिशुओं के लिए, किस रंग की है, तो बालकों के लिए पिंक कलर की, और बालिकाओं के लिए पिंक, और बालकों के लिए नीले रंग की किट होती है। और बेटी बेटी के जन्म पर पोमचा किस रंग का होता है वो कमेंट करके आप बताएंगे। चले, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में चर्चा में आने का मुख्य रीजन क्या है? भी तो क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग चल रही है, तो 1 आपका सही है। अगला कि 8 मार्च 2020 को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया? भी राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार दिए रुमा देवी को, यानी 3 आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रदेश में पहली जनजाति हॉकी अकादमी की स्थापना कहां पर? तो पहली जनजाति हॉकी अकादमी उदयपुर में, झीलों की नगरी में, 3 आपका ठीक है। और राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए गठित समितियों में जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जन लेखा समिति के अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया जी, यानी 4 आपका ठीक है। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी की गई राज्यों के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में
परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को कौन सी ग्रेड मिली है? तो राजस्थान को मिली है ग्रेड वन प्लस, ग्रेड वन प्लस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी की नवीनतम रैंकिंग में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पहले स्थान पर राजस्थान ही रहा है, एक आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई 2021 को प्रदेश के किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित की है? ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस जो है वो मुख्यमंत्री ने कौन से शहर में, तो जयपुर में, एक आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, याद रखेंगे इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 17 जुलाई 2021 को। कौन कौन सा कथन सही है इसके बारे में? तो इसमें ये जो है सामान्य श्रेणी, ग्रामीण विकास और फ्लैट रेंट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे इससे, उनके लिए है। तो दो नंबर आपका ऑप्शन सी है, बार बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील का गांव कौन सा? खेड़ा कानपुर के हाल ही में चर्चा रहने का रीजन क्या है भी? खेड़ा कानपुर क्यों चर्चा में था उदयपुर का? क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि किस देश के कबड्डी संघ ने अपने यहाँ दिवंगत जनार्दन सिंह गहलोत के सम्मान में स्टेडियम का नामकरण किए जाने की घोषणा की है, और ये किस देश ने? अर्जेंटीना ने की थी, या दो आपका ठीक है। अगला कि प्रदेश में पोटास के भंडार के लिए किन जिलों के समूह को श्रेष्ठ स्थान मिला है? पोटास के भंडार कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, याद रखेंगे बीकानेर संभाग ही आ गया है, चूरू जिले को छोड़ दीजिए। दिसंबर 2020 में निम्न में से किस स्थान पर इकोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया गया? नया इकोलॉजी पार्क कहां पर? लक्ष्मणगढ़ में। कौन सा? सीकर जिले में, चार आपका ठीक है। अगर कि हाल ही के दिनों में अलवर का कोट कासिम चर्चा में रहा था, अब कोट कासिम के चर्चा में रहने का रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, याद रखना एक तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों अलग अलग है, और इंटरनेशनल बनेगा कोट कासिम में। कहां पर है कोट कासिम? अलवर में। अगला कि 25 जनवरी 2021 को जारी की गई एमसेंड नीति में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? पहला कि एमसेंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, सही है। सरकारी भवनों के निर्माण में न्यूनतम 25% एमसेंड आवश्यक है, ये भी सही है, और बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प है, ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी सारे ही कथन सही है, तो डी आपका ठीक है। अगला है कि बांडी नदी रिवर फ्रंट परियोजना निम्न में से किसके परियोजना है? बांडी नदी रिवर फ्रंट परियोजना किसके लिए है? ये आना सागर झील से फोय सागर झील को जोड़ने के लिए, याद रखेंगे आना सागर झील को फोय सागर से झील से जोड़ने के लिए कौन सी योजना है? बांडी नदी रिवर फ्रंट योजना है, तीन आपका ठीक है। देश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ पर है भी? पहला अंगदाता स्मारक है वो है जयपुर में, एक आपका ठीक है। अगला कि प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ प्रस्तावित है? प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है चौंप गांव में। अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चौंप गांव क्यों प्रसिद्ध है, ये चौंप गांव है कहाँ पर? तो जयपुर में है, राइट आंसर का तीन नंबर। अगला कि निम्न में से कौन सा हाईवे रूट देश के पहले ई हाईवे रूट के लिए चुना गया है? तो कौन सा? तो जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे के लिए, तो एक आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस रेलखंड पर दुनिया की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन शुरू की गई? इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन यानी न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार रेलखंड में, एक आपका सही है। अगले हाल ही में शुरू किए गए मिस्र इंद्रधनुष 3 अभियान का संबंध किस है? इंद्रधनुष अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ है और ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, यानी तीन आपका सही है। अगला है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? चयन करो। पहला कि योजना का दूसरा चरण जो है वो 30 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, सही है। योजना के अंतर्गत प्रति परिवार में उपचार की सीमा है वो 5 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, ये भी ठीक है। और उपचार की बीमारियों का पैकेज 1401 था जिसको बढ़ाकर 1576 कर दिया गया, ये भी सही है। तो सारी सही है, तीनों ही कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? 30 जनवरी से। प्रति व्यक्ति उपचार की सालाना कितनी राशि तय की गई है? 5 लाख रुपए। और कितने बीमारियों का पैकेज शामिल किया गया? 1576 का। सारी चीजें याद रखेंगे, 1576 याद रह जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था।
अगला कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2020 में प्रदेश के रासम जिले को किस परियोजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो किसके लिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यही आ जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, तो राजसमंद सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। चलिए एक और बताइए कि वन स्टॉप शॉप प्रणाली का संबंध किससे है, भी वन स्टॉप शॉप प्रणाली का संबंध है वो इनमें से किससे आता है, तो ये श्रमिकों की स्थापना की आवश्यकता की अनुमति की प्रणाली के लिए एक आपका ठीक है। अगला है कि के बिरला फाउंडेशन का 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 30वां बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा सम्मानित हुए हैं, दो आपका ठीक है। और अगला कि मार्च 2021 में केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने प्रदेश के शहरों में सर्वाधिक उपयुक्त शहर कौन सा माना है इनमें से, और सबसे उपयुक्त शहर आता है जोधपुर, तो राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ अगर आपको लेनी है इस टेस्ट की और सभी टेस्ट होगी तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, या तो टेलीग्राम पर जाके ये नाम सर्च कर लो प्रहलाद सारण सर, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले मेहनत करने का, काम करने का, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे एनर्जी आती है। आप लोग सहयोग करेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो उतना ही मेरा भी मन करेगा कि नए नए वीडियोस, नए नए टेस्ट बनाएं। और अलग दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, तो एक तो शाम को 4 बजे आपकी एक सुपर फास्ट रिविजन की सीरीज होती है, 100 टेस्टों की सीरीज है, ऑलमोस्ट 70 हो गए हैं, एग्जाम से पहले 30 और करने हैं, तो वो देखें, 10 मिनट का टाइम लगता है और 60 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, यानी स्पीड के साथ आपका रिवीजन हो जाता है। और ऐसे टॉपिकों का आप लाइव टेस्ट लेना चाहते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे हस्तकला है, चित्रकला है, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो रात को 8 बजे लाइव टेस्ट होता है हमारा 100 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम बेस्ट वाला हो। आगे हम ग्राम सेवक की तैयारी भी करेंगे धुआंधार तरीके से, तो लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।